अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक ये इक्वेशन दी गई है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए लिख लेना है यहाँ पे लेट। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट। हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1। अगर y ये हुआ तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 ओवर y, तो ये सारी चेंज हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हम चलें इसको जो इक्वेशन दी गई है इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं y और y, 1 ओवर y हमारा ये था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 2 होल 1 बाय 6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया y, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 6 12 और 1 13 बाय 6 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम y को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये 6 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से तो ये इस तरह हो जाएगा, और ये y वहाँ गया तो ये हो गया 13y हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13y। अरेंज कर लेते हैं इसे अब हम यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये इक्वल के दूसरी तरफ जब शिफ्ट हुआ तो इसने अपना साइन चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। किस तरीके से, कि देखिए अगर हम इसको करें तो 6 6 36 होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अगर हम लेते हैं 2 1 2 2 8 16 2 9 18, ठीक है। तो 9 और प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। तो अगर हम 2 2 4 और 9 को यहाँ लिखेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6y स्क्वायर माइनस, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 9y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये लिख लिया। अब हम इसको पेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस साइन लगा के 9y प्लस 6, ये एक पेयर हो गया, बोथ आर इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इसमें से हमने कॉमन लिया 2y, ठीक है। तो ये अंदर रह गया 2 3 6y माइनस 2 रह गया, माइनस कॉमन लिया जब हमने यहाँ पे तो 3 लिया को बाहर, तो 3y अंदर रह गया, 3 3 9 और माइनस साइन था, ये चेंज हो गया 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक कर लेते हैं, 2y माइनस 3 का एक पेयर हो गया, और अगला हो गया हमारे पास 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू 0 की इक्वल है तो इन्हें अलग कर लेते हैं। ये हो गया 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक हो गया, और दूसरा अगर हम देखें तो वो हो जाता है 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम आगे देखें क्या करते हैं, अब हमें 2y को अलग करना है, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आई, हमारे पास y की वैल्यू निकल आई 3/2। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 3y इक्वल्स टू 2, दूसरी तरफ गया तो साइन चेंज हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। अब यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं, अब तो चलिए अब हम इसको पुट करते हैं ऊपर। यहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, तो ये y किसके इक्वल था, इस वैल्यू के इक्वल था, ठीक है।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4x+1/4x-1=3/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x+1/4x-1=2/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे करते हैं इसे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये जब यहाँ हो गया तो ये हो गया हमारे पास 2 को इधर किया और 3 को इधर किया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास सारी चेंज हो गई वैल्यूज यहाँ पे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 4 8x+2=2 3 4 12x-3। ठीक है, अब ये इसको अरेंज कर लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू को यहीं रहने देते हैं, छोटी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8x+2 यहीं रहा, 3 इधर गया तो ये हो गया +3। तो 18 में 12 में से जब 8 निकाले तो ये आ गया 4। ठीक है, 4x=5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/4। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया था ना, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। 3 को हम कर लेते हैं यहाँ पे 4x+1। ठीक है, और कर लेते हैं 2 × 4x-1। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12x+3=2 2 4 8x-2। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 12x 8 यहाँ गया -8x, और ये -2 था, 3 दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस हुआ तो अब हम क्या करते हैं, इधर आ गया हमारे पास 4x आ गया और इधर आ गया -5। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। ठीक है, 5/4 आ गया। तो हमारे पास एंड में इसका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5/4 और -5/4। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसके 9th पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो हमें दी गई वैल्यू है इसको हम सपोज कर लेते हैं वाई के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट y=x-a/x+a। ठीक है, अगर हमारे पास y की वैल्यू ये है तो हमारा रेसिप्रोकल अगर हमने लिया 1/y का तो वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया हमारे पास x+a/x-a के आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी y-1/y=7/12। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे करते हैं हमसे, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा, जब हमने एलसीएम लिया y तो ये हो जाएगा y²-1=7/12। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 12y²-12=7y। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, 12y²-7y, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ आया ये, -12=0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 12 क्या होता है हमारे पास, 12 12 होता है 144। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये करना आता है और उनके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स के ऊपर है कि थोड़े से वीक हैं और जिन्हें समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं उनके लिए ईजीली कर रही हूँ सारा मेथड, ताकि वो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, और सारे मेथड को फॉलो कर सकें। तो 144 का हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, फिर अगेन 2 से किया, 2 3 6, 1 बचा 2 6 12, अगेन बाय मल्टीप्लाई विथ 2,
टू वन ज़ार टू, टू एट ज़ार सिक्सटीन और टू नाइन ज़ार एटीन। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमें ये सेंटर वैल्यू चाहिए वो बनी कि नहीं। ये हो गया टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट टू ज़ार सिक्सटीन। अगर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y, इसलिए क्योंकि हमें साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाना है माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए एक पॉजिटिव रखेंगे। माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 16y का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, और अगला बना लेते हैं हम 9y माइनस 12 का दूसरा पेयर बना लेते हैं यहाँ पे, और बोथ आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, हमने यहाँ से जो है वो कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, 4y कॉमन लिया तो आ गया 4 थ्री ज़ार 12y माइनस 4 फोर ज़ार 16 प्लस के साथ 3 लिया हमने कॉमन, अंदर रह गया 3y माइनस 3 फोर ज़ार 12 होता है और 0। ठीक है, अब हम इसका पेयर बना लेते हैं 4y प्लस 3 का एक पेयर और दूसरा आ गया 3y माइनस 4 का पेयर और ये हो गया 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, चले अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग अलग करके वैल्यूज 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और अगला लिख लेते हैं हम 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आगे लिखी गई हैं। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं 4y इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई माइनस 3/4। ठीक है, दूसरी तरफ जाते हैं हम लिख लेते हैं 3y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया सारा। अब हम आगे करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं ऊपर हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में y को इस वैल्यू के साथ कंसिडर किया था, तो चले अब हम इसको हम y की जगह लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पुट कर लेते हैं, इसे हम पुट कर लेते हैं वैल्यू को यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास y की जगह आ जाएगा हमारे पास x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस, और इधर आ जाता है y की जगह हो जाता है x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 को किया तो 4x माइनस a और इज इक्वल्स टू 3 को इधर किया तो ये हो जाएगा x प्लस a। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 3 को कर लेते हैं x माइनस a के साथ और 4 को कर लेते हैं x प्लस a के साथ मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4a। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पे कर लिए। अब हम पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं फिर उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4x के साथ वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं 3x की और यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 3a, 4 को उधर गया तो पॉजिटिव 4a हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 7x इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई 7x की, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई a बाई 7। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 4x की बड़ी वैल्यू को यहीं रहने देते हैं, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 3x हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 3a था ये तो यहीं रहा तो ये पॉजिटिव, जब दूसरी तरफ गया तो ये हो गया माइनस 4a। ठीक है, ये माइनस 4a हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब हम आगे करते हैं, देखिए ये हो गया हमारे पास, यहाँ रह गया x और ये क्या हो गया माइनस 7a।
तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दोनों वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट क्या बना, एक बना ए ओवर सेवन और दूसरा आया -7 है। ठीक हो गया, देखिए ये हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि क्या करेंगे हम इसको, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे कि जो हमारी सारी वैल्यू है इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स फोर डिवाइडेड, पहले ठीक है इसको कर लेते हैं स्क्वायर से डिवाइड, -2x³ ओवर एक्स स्क्वायर, सब जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, +2x ओवर x² +1 ओवर x², यहाँ इसलिए नहीं करे बिकॉज ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा आंसर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। देखिए ये हमने किया x को, जब हमने इधर लिख लिया 4 -2, जब हमारी ये वैल्यू सेम होती हैं तो हम इनकी जो पावर्स हैं उन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया -2x³ -2 -2x² -2 +2x1 -2, बिकॉज इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, तो +1 ओवर x² आ गया =0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए अब हम आगे कैसे करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं 2 आ गई पावर, माइनस इसकी आ गई 2x आ गई हमारे पास पावर। ठीक है, और ये आ गया 0 आ गया, आपको पता है x 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जब 0 आ जाएगा तो ये रह जाएगा खाली 2, माइनस इधर -1 आ जाएगा, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब आगे चल के हम ये लिख लेते हैं x² = 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे देखें, आगे हम इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठहरे मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x² + 1 ओवर x², ये दोनों सेम है तो 2x - 2 ओवर x, और इधर माइनस कहाँ गया, -साइन। ठीक है, -साइन रह गया था हमारे पास, तो ये हो जाएगा -2 और सारी वैल्यूज लिखी गई है =0। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है, अब हम क्या करते हैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं, इस वाली वैल्यू को, एक तो ये हो गई ना हमारे पास, इसे हम एक साइड पे कर लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये क्या रह गया, ये हो गया x - 1 ओवर x हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये प्लस था, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस था, यहाँ माइनस है हमारे पास। ठीक है, ये माइनस साइन है हमारे पास, और यहाँ पे आओ ले लिया आप साइन, इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बाहर माइनस का साइन था और ये पॉजिटिव था, इसलिए जब हमने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, -2 = 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को किसकी इक्वल कर लेते हैं,
इस वाली वैल्यू को हम y की इक्वल कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, ठीक है, ये हमारे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसके साथ वैल्यू को बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया इन दोनों साइड्स को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, तो वो हम इधर रफ वर्क में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे मेन वैल्यू लिख सकें। तो जब हमने इसका स्क्वायर खोला, आपको पता है ना ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेंगे हम, तो इस तरीके से आ गई है वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसे लेके आते हैं, इस तमाम वैल्यू को यहाँ करते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हम क्या करते हैं, इस टू को इधर शिफ्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू यहाँ थी, ठीक है, ये हमारी इसके बराबर आ गई, और हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं। तो इस वैल्यू के साथ हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि पुटिंग दिस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। तो अब हम इसे पुट करने लगे हैं, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, और इसके जगह वाई को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए ये कैंसिल हो जाती हैं, दोनों वैल्यूज ऑपोजिट हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम वाई को कॉमन ले लेते हैं, वाई को कॉमन लिया तो अंदर रह गया वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, एक हो गई ये वाली और दूसरी क्या हो गई, दूसरी होगी y माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो हमारे पास सॉल्व हुई हुई है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू टू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, अब ये y की जगह हम जो है ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इधर नीचे, ठीक है। अब हम नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे x माइनस वन ओवर x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आगे हो जाके हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन, ये इधर गया ये ज़ीरो हो गया, तो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर को अंडर रूट लिया हमने और यहाँ भी वन का अंडर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व हो गई है हमारे पास। अब हम अगले वाले को करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं वाई की वैल्यू को, जो क्या थी हमारे पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है। वाई की जगह ये वैल्यू पुट की, ये टू यहाँ आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टू, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स। अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में है, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, याद है आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट बाय टू ए, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमारे पास ये आ गया
चले अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई माइनस टू, ये भी टू था तो ये पॉजिटिव टू आ गया, प्लस माइनस b है तो ये माइनस टू का जब स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल होके फोर हो जाएगा, पॉजिटिव फोर, माइनस फोर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया वन को और c की वैल्यू क्या है माइनस वन, यहाँ पे अंडर रूट में लिख लेते हैं, बाय टू और a की वैल्यू क्या है वन। ठीक है तो चलिए अब हम इसे नेक्स्ट पेज पे पहले वो लिख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारे पास ये आ गया ना क्वेश्चन, अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, चलिए टू प्लस माइनस फोर और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस फोर हो गया। ठीक है और नीचे क्या आ गई हमारे पास वैल्यू टू की आ गई, इसे अंडर रूट में पुट किया, आगे चलते हैं, आगे किया तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, टू प्लस माइनस आ गया एट अंडर रूट बाय टू। अब एट को हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा हो जाता है टू टू और टू। ठीक है टू को थ्री टाइम्स करेंगे तो एट हो जाएगा, तो ये एक पेयर हो गया और ये एक अकेला रह गया। तो चलिए अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, हम बना लेते हैं टू प्लस माइनस टू इंटू टू इंटू टू, इसको अंडर रूट में लिखा, बाय टू, ये एक पेयर हो गया तो ये किस तरीके से आया टू प्लस माइनस टू का ये हो गया स्क्वायर अंडर रूट इंटू टू। ठीक है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाय टू आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, ये हो जाएगा टू प्लस माइनस टू इन अंडर रूट टू बाय टू। ठीक है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब हम आगे लिखते हैं इसको, जब ये हमारे पास आ गई वैल्यू इस तरीके से, अब हम क्या करेंगे इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग टू कॉमन। ठीक है जब इसमें से टू कॉमन लिया हमने, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास वन प्लस माइनस अंडर रूट टू बाय टू। ठीक है ये कैंसिल हो गया हमारे पास, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये हो गई हमारे पास वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, देखिए दो ये है और तीसरी वहाँ पे है, तो ये हो गई हमारे पास सोल्यूशन सेट। हमारे पास क्या हुआ, पीछे आया था हमारा प्लस माइनस वन आया था, ठीक है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आ गया वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। टेक केयर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।